हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माला कुकिंग। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिना पाक बनाए ही नारियल के लड्डू बनाए जा सकते हैं। इस तरह के लड्डू बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, ये खाने में बहुत टेस्टी भी होते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर दो, प्लीज़ जैसे हमें मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये देखिए, ये कच्चे नारियल का बुरादा है और ये चीनी। ये मेरा कच्चे नारियल का बुरादा दो दो नारियल का है और ये चीनी 250 ग्राम है। मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये बुरादे डालूंगी। देखिए, मैंने डाल दिया, फिर भूनेंगे। तो भून लेंगे। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसे मिक्स करेंगे। ऐसे तब तक चलाएंगे जब तक इसके अंदर की चीनी घुल न जाए। देखिए, मेरे इसकी चीनी घुल चुके हैं। मैं इसमें चेक कर लूँगी कि इसके पाक अच्छे तरह हुए हैं कि नहीं। तो इसे लेके देखिए, ये हाथ में इस तरह से चिपक रहे हैं तो इसके मतलब कि इसके पाक हो चुके हैं। तो मैं अभी से प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसके इस तरह से लेंगे। देखिए, इस तरह से इसके हम बोल्स बनाएंगे। इस तरह से मैं सारे पहले बना लूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं पहले सारे बना लूंगी। ये देखिए, मैंने बना लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये सबको ही बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में।